हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट पी क्यू आर बी राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल। राइट एंगल एट पी 2, 1 इफ द इक्वेशन ऑफ द क्यू आर 2x + y = 3, देन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइंस पी क्यू एंड द पी आर। सो ऑप्शन ए है 3x² - 3y² + 8xy + 20x + 10y + 25 = 0। ऑप्शन बी है 3x² - 3y² + 8xy - 20x - 10y + 25 = 0। ऑप्शन सी है 3x² - 3y² + 8xy + 10x + 50y + 20 = 0। ऑप्शन डी है 3x² - 3y² + 8xy - 10x - 50y - 20 = 0। अब इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट तो इसके लिए हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर हम टेन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे हम स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, m2 - m1 अपॉन में क्या होता है 1 + m1 और m2, जहाँ पे m1 m2 क्या है आपके इक्वेशन के स्लोप है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पी क्यू आर अ राइट एंगल है आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, पी है आपका 2, 1, तो हमने क्या करा, एक आइसोसेलस ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका P 2, 1 और ये हो जाएगा आपका Q और ये आपका R ऑप्शन। और इसकी जो इक्वेशन दे रखी है, उन्होंने दे रखी है आपकी 2x + y = 3 दे रखी है। अब आइसोसेलस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें दो एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 45 का होगा और ये आपका भी 45 का होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने अभी यूज किया था, टेन अल्फा इक्वल्स क्या होता है +m2 - m1 / 1 + m1 / m2 होता है। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास क्या है 45 है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो m निकलेगा, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसको कंपेरिजन कराएंगे y = mx + c से। तो यहाँ से जो निकल के आएगा y = -(-2x) और प्लस का आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू हो जाएगा वो क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा। तो यहाँ पे रख देते हैं tan 45 डिग्री और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +-, यहाँ पे m माइनस और -2 मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये मिलेगा आपको प्लस m हो जाएगा और इनटू में आपका -2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा +-m + 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 - 2m हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 - 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा +-m + 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो हम क्या एक बार प्लस वैल्यू लेते हैं, एक बार माइनस, तो हमने प्लस ले लिया 1 - 2m = m + 2। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो m को इधर लेकर आएंगे तो, और 2m को इधर 3m हो जाएगा और यहाँ पे 2 को उधर लेकर जाएंगे तो 1 - 2, यानी कि m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, -1/3 आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पे 1 - 2m = -m, तो मल्टीप्लाई कर दिया -m और -2। ठीक है, तो यहाँ से जो m का वैल्यू मिल जाएगा वो आपको 3 मिल जाएगा, यानी कि m की हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो, अगर हम m = 3 पुट करते हैं इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन क्या होती है आपकी, y -1 हो जाएगा और प्लस का 3 मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका x - 2। केवल हम स्लोप चेंज कर रहे हैं और वो हमें 2, 1 दे ही रखे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो y - 1 = कितना हो जाएगा 3x और -6, तो ये हो जाएगा आपका y - 3x और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो आपका +5 हो जाएगा और इक्वल टू में आपका 0 हो जाएगा, आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब हम m इक्वल टू क्या रखते हैं, -1/3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा y - 1 = -1/3 और यहाँ पे आपका x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो 3y - 3 हो जाएगा, 3y - 3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा -x + 2 हो जाएगा, -x और +2, इसको उधर ले आएंगे उठा के तो 3y + x हो जाएगा और यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन जो फर्स्ट है वो आपका कितना है, सेकेंड है y - 3y + 5
और ये है आपका 3y प्लस x, सॉरी 3y प्लस x और माइनस का 5 इक्वल टू में 0। इसका हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो मल्टीप्लाई कराने पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा पूरा 9xy और प्लस का हो जाएगा 15y और प्लस का हो जाएगा आपका xy माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x और माइनस ऑफ 5y और प्लस ऑफ 15x और माइनस ऑफ 25 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो यहां से फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस का आपका 8xy हो जाएगा और माइनस का 10y और माइनस का 20x और प्लस का 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। तो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं, आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।